नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित कर्नाटक हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह जजमेंट 1 जुलाई 2022 को दिया। उसका शीर्षक है अंबाडी माधव बनाम कर्नाटक सूचना आयोग। इसमें कहा गया कि यदि वास्तविक कारण दिए गए हैं तो जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सूचना आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक उप वन संरक्षक जो जन सूचना अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उनसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में कुछ देरी हुई और उस देरी के लिए उन पर 10,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। तो जस्टिस सीएम पूनाचा की सिंगल जज बेंच ने अंबाडी माधव द्वारा उनके द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, भले ही सूचना प्रस्तुत करने में कुछ देरी हुई हो, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिका में देरी के लिए जो कारण बताए गए हैं वो वास्तविक है। अगर आप अधिनियम की धारा 20 देखें तो उसमें यह कहा गया है कि इफ डिनायल इज मेलाफाइड, यानी जानबूझकर देने से मना किया गया है या जानबूझकर विलंब किया गया है, उसमें वहां जानबूझकर शब्द महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड पर सामग्री है उसका अध्ययन करने के बाद और दोनों पक्षों द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया है उस पर विचार करने के बाद यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई है, देर से दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता ने जानबूझकर देरी नहीं की गई और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 जो इस मामले में था उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को वापस लेने का या देरी से देने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, इंटेंशंस मेलिफाइड नहीं थी। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कर्नाटक सूचना आयोग का जो आदेश था 10,000 रुपए का जो अर्थदंड था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो जैसा कि धारा 20 में कहा गया है कि जानबूझकर यदि देरी की जाती है तब दंडित होगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि देरी जानबूझकर नहीं हुई है, उसके पर्याप्त कारण है, तो फिर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यही चीज कर्नाटक हाई कोर्ट ने कही। आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे आज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को टैप करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।